नमस्कार, स्वागत है दर्शकों आपका हमारी वीडियो में, जहां आज हम आपको बताएंगे चीन जापान युद्ध के बारे में। चीन जापान युद्ध। चीन जापानी युद्ध संघर्ष तब छिड़ गया जब चीन ने अपने क्षेत्र में जापानी प्रभाव के विस्तार के लिए पूर्ण पैमाने पर प्रतिरोध शुरू किया। युद्ध जो 9 दिसंबर 1941 तक अघोषित रहा को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता था। 1938 के अंत तक तेजी से जापानी अग्रिम की अवधि, 1944 तक आभासी गतिरोध की अवधि और अंतिम अवधि तक मित्र देशों ने पलटवार किया। मुख्यतः प्रशांत और जापान के गृह युद्धों पर जापान के आत्मसमर्पण के बारे में लाया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान ने मंचूरिया पर प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग किया था, शुरू में 21 मांगों की शर्तों के माध्यम से और बाद में चीनी सरदार झांग जियोलिन के समर्थन के माध्यम से। हालांकि एक गंभीर संघर्ष विकसित हो रहा था और मंचूरिया में चीनी विशेष रूप से जापानियों द्वारा रखे गए विशेषाधिकारियों के तहत अशांत थे। चीनी नागरिकों ने आबादी का विशाल बहुमत बनाया और इस क्षेत्र का कानूनी शीर्षक चीन के पास था। फिर भी जापान ने दक्षिण मंचूरिया को अपने रेलवे और लिया ओडगो प्रायद्वीप पर अपने पट्टे के माध्यम से नियंत्रित किया और अन्य तरीकों से चीनी सुप्रभुता से समझौता किया। अपनी स्वतंत्रता का दावा करने के प्रयास में चीनियों ने रेल मार्गों की एक श्रृंखला का निर्माण शुरू किया जो आंशिक रूप से जापानी लाइनों को घेर लेगा और उल्दुआ में समाप्त हो जाएगा। एक बंदरगाह जिसे चीनी विकसित कर रहे थे, 1928 में जापानी अधिकारियों द्वारा अपने पिता की हत्या के बाद झांग जुआलिन के बेटे और मंचूरिया के शासक झांग जुवेलियांग के साथ खुद को सहयोगी बनाने और चीन को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करने की उसकी इच्छा के लिए तेजी से निपटाए गए थे। 1931 की गर्मियों में मामूली घटनाओं में घर्षण खुद को व्यक्त किया। मंचूरिया में जापानी सेना के मुख्य निकाय के नियंत्रण वाले लोगों का मानना था कि अस्थायी और समझौता करने का समय बीत चुका था। 18 से 19 सितंबर 1931 की रात को आरोप लगाते हुए कि चीनियों ने शहर के दक्षिण मंचूरिया रेलवे के ट्रैक को उड़ा दिया है, जापानियों ने मुकदेन शनियांग को जब्त कर लिया। राष्ट्रवादी ताकतों के कम प्रतिरोध का सामना करते हुए जापानियों ने 1932 में मंचकुआ की कठपुतली राज्य की स्थापना की और अपदस्थ किंग सम्राट कुई को इसके नाम मात्र प्रमुख के रूप में स्थापित किया। जापान ने जल्द ही प्रदर्शित किया कि वो चीन के रूप में अपने नियंत्रण को महान दीवार के उत्तर के क्षेत्रों तक सीमित रखने से असंतुष्ट नहीं था और 1934 के वसंत में टोक्यो से एक घोषणा ने पूरे चीन को एक जापानी संरक्षित घोषित कर दिया, जिसमें कोई भी शक्ति महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकती थी उसकी सहमति के बिना। प्रारंभिक जापानी विजय। जुलाई 1937 तक व्यवहारिक रूप से सभी चीनी क्षेत्रीय सैन्य और राजनीतिक समूहों ने हर तरह से जापान का विरोध करने के अपने फैसले में राष्ट्रवादी सरकार को और च्वांग काईशेक का समर्थन करने के लिए रैली की थी। साम्यवादियों, जिन्होंने 1935 में जापान के खिलाफ संयुक्त मोर्चे का आग्रह किया था, ने अपना समर्थन देने का वादा किया और अपनी सेनाओं को नाम मात्र की सरकार के अधीन कर दिया गया। एक सख्त सैन्य दृष्टिकोण से हालांकि जापान चीन की तुलना में इतना बेहतर था कि उसकी सेनाओं ने तेजी से प्रारंभिक सफलता हासिल की। 2 वर्षों के दौरान जापान ने अधिकांश बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। पश्चिम के अधिकांश प्रमुख शहरों में हांगको और रेलवे के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जुलाई 1937 में पेइपिंग और रियाजीन पर कब्जा कर लिया गया। भीषण लड़ाई के बाद चीनी सेनाओं को नवंबर 1937 के मध्य तक शांघाई क्षेत्र से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। नानकिंग राष्ट्रवादी राजधानी दिसंबर 1937 के मध्य में गिर गई और उस शहर और उसके निवासियों का परिसमापन नानजिंग नरसंहार के रूप में जाना जाने लगा। 30,000 चीनी नागरिक और आत्मसमर्पण करने वाले सैनिक मारे गए। इसके अलावा जापानी कमांडर मात्सुई इवान के आदेश पर हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। राजधानी को पश्चिम में हांगको में स्थानांतरित कर दिया गया था। जापानियों ने पीछे किया और अक्टूबर 1938 में उस शहर पर कब्जा कर लिया गया। उसी महीने चीनियों ने केटैन को खो दिया। जापानियों ने उत्तर और पश्चिम की ओर पाइपिंग से रेलवे लाइनों के साथ शांसी और इनर मंगोलिया में दबाव डाला। उन्होंने शांतुंग पर प्रभुत्व जमाया और यांगत्जी घाटी के निचले हिस्से में पाइपिंग, हैंको, टियाटसिन, पुकू और लुंग हाई रेलवे और रेलवे लाइनों पर कब्जा कर लिया। समुद्र पर उनका पूरा अधिकार था। हमेशा हवा में श्रेष्ठ कई महीनों से पहले उन्होंने चीनी वायु सेना को नष्ट कर दिया और चीनी शहरों पर बमबारी भी की। गतिरोध।
युद्ध के गतिरोध चरण के दौरान 1939 से शुरू होकर जापान में नाकाबंदी द्वारा चीनी प्रतिरोध को वश में करने की कोशिश की गई। दक्षिण से उत्तर तक चीन के मुख्य बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया गया। कम से कम एक फूचो में व्यवसाय केवल रुक रुक कर था, लेकिन उनमें से अधिकांश में यह निरंतर था। जब 1940 में फ्रांस जर्मनी के हाथों में आ गया तो जापान ने फ्रांसीसी इंडो चाइना में आगे बढ़ने का अवसर लिया और उसे रेल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जो तत्सु कुनमिंग तक जाता था और इंडो चाइनीज तट से आंतरिक राजमार्ग तक जाता था। कुछ समय के लिए जापान ने अंग्रेजों को बर्मा से यूनान में कुनमिंग तक जाने वाली सड़क को बंद करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन बर्मा रोड फिर से खुल जाएगी और युद्ध की महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों में से एक बन जाएगी। फिर वर्षों के बाद बढ़ते तनाव के बाद एक और संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन और दूसरी ओर जापान के बीच अचानक युद्ध शुरू हो गया। जापानियों ने अपनी तैयारियां और अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए शीघ्र ही पूर्वी एशिया के तटों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। 1942 में हांगकांग और बर्मा पर उनके कब्जों ने उन दरवाजों को बंद कर दिया जिनके द्वारा माल निर्जन चीन में और बाहर चला गया था। विदेश में अपने सहयोगियों के साथ चीनियों को जोड़ने के लिए अब जो एकमात्र मार्ग रह गया था वो था शिनजियांग में लंबी और खराब निर्मित सड़कें और असम में हवाई मार्ग। मंचूरिया पर अधिकार के उद्देश्य। मंचूरिया चीन का प्रांत था, लेकिन चीन की दुर्बलता के कारण रूस तथा जापान ने मंचूरिया में विशेष आर्थिक तथा सैनिक हितों का सृजन कर लिया था। जापान अपने राष्ट्रीय जीवन की सुरक्षा के लिए मंचूरिया पर अधिकार करना आवश्यक मानता था। इसके कई कारण थे। प्रथम राजनीतिक कारण था, मंचूरिया में चोंग हस्युएस लियांग गवर्नर था। उसने 1925 में नानकिंग सरकार की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर ली। वो आंतरिक मामले में स्वतंत्र था, लेकिन विदेश नीति का अधिकार नानकिंग की कौमी तंग सरकार को थे। जापान को यह स्थिति स्वीकार नहीं थी क्योंकि गवर्नर से वो मनमाना काम करा सकते थे। इसके विपरीत नानकिंग सरकार जापान की किसी अनुचित बात मानने को तैयार नहीं थी। दूसरा कारण आर्थिक विशेषाधिकारियों से संबंधित था। जापान ने लियोआओ तुंग प्रायद्वीप का पट्टा 99 साल के लिए 1815 में चीन की सरकार में प्राप्त किया। इसके पहले यह पट्टा केवल 25 वर्षों के लिए था जिसकी मियाद 1923 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। कोमिंतांग सरकार 1915 ईस्वी के समझौते को अवैध मानती थी। इसी प्रकार का विवाद दक्षिण मंचूरिया के रेलवे के बारे में था जो जापान के आधिपत्य में थी। चीन का कहना था कि रेल की लीज पर 1923 में समाप्त हो गई थी, पर जापान इसे स्वीकार नहीं करता था। मंचूरिया में रेल और बंदरगाह निर्माण पर भी विवाद था। लाखों चीनी कृषक और श्रमिक मंचूरिया जाकर बस गए, जिससे मंचूरिया की चीनी जनता की शक्ति बढ़ गई। दक्षिण मंचूरिया में जापान की रेल लाइन और डेरन का बंदरगाह था। चीन की सरकारें मंचूरिया में एक रेलवे लाइन तथा अपना बंदरगाह बनाना चाहती थी, जिसका जापान ने विरोध किया। जापान की सैनिक कार्यवाही का तत्कालिक कारण एक घटना थी। जून 1931 में दक्षिण मंचूरिया में एक जापानी सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी गई। स्पष्ट था कि ये चीनी देशभक्तों का काम था। अब स्पष्ट हो गया था कि मंचूरिया पर जापान या फिर चीन किसी एक का ही अधिकार रह सकता था। निर्णायक अवसर 18 सितंबर 1931 को आया। अब दक्षिण मंचूरिया रेलवे पर मुकदन के निकट बम फेंका गया। इससे रेलवे लाइन को असाधारण क्षति पहुंची। जापान का कहना था कि वो बम चीनी सिपाहियों ने फेंका था। जो कुछ भी हो, 18 सितंबर को ही वातुंग सेना ने कुदमन नगर पर कब्जा कर लिया। कुदमन मंचूरिया की राजधानी थी। इस प्रकार जापानी साम्राज्यवाद का पहला चरण आरंभ हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी। युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सेनाओं द्वारा नियंत्रण बिखरे हुए क्षेत्रों में वृद्धि हुई, जब तक कि उन्होंने उत्तर और पूर्वी चीन के बड़े हिस्सों का कवर नहीं किया। इन सीमावर्ती क्षेत्रों और मुक्त क्षेत्रों में शासन लोगों के बीच लोकप्रिय था। ये आंशिक रूप से आर्थिक और सामाजिक सुधारों का परिणाम था, जिसने किसानों की स्थितियों में सुधार किया था, और आंशिक रूप से स्थानीय सरकार की व्यवस्था का परिणाम था, जिसने जन संगठनों के माध्यम से जनता की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया था। सेना अपने अच्छे अनुशासन और आम लोगों के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण भी लोकप्रिय थी, जिन पर वो अस्तित्व के लिए निर्भर थी। गतिरोध की अवधि के दौरान कई सैन्य संघर्षों से राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के बीच संबंध खराब हो गए थे, जिसके लिए प्रत्येक पक्ष ने दूसरे को दोषी ठहराया था। कम्युनिस्टों ने खुद को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश की थी, जबकि राष्ट्रवादी सरकार ने उन्हें नाकाबंदी और अन्य तरीकों से सीमित रखने की कोशिश की। वास्तव में 1938 के बाद जापान के साथ
बड़े युद्ध में चीनी गृह युद्ध केवल जलमग्न हो गया था। कब्जे वाले क्षेत्रों में जापान ने नानकिंग यानी कि 1940 में एक कठपुतली शासन स्थापित करके समर्थन हासिल करने और अपने सैन्य बोझ को कम करने की कोशिश की। इसका नेतृत्व करने के लिए जापानियों ने वांग चिंग वेई को चुना, जो कभी सन यात्सेन के अंतरंग साथी थे, जिनकी परंपरा वांग चिंग वेई ने जारी रखने का दावा किया था। जापान ने चीनी प्रशासन को फ्रांसीसी रियायत और शांघाई में अंतर्राष्ट्रीय समझौता बहाल करने की गतियों के माध्यम से भी चला गया, जिसे उसने पर्ल हार्बर पर हमले के बाद कब्जा कर लिया था। फिर भी जापान इन प्रशासनों में सेवा करने के लिए कई चीनी क्षमता और अखंडता को प्रेरित करने में पहले की तुलना में अधिक सफल नहीं था। जाहिर है जापानी अधिकारियों के अनुमोदन के बिना इन शासनों द्वारा भी कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सकता था। विदेशी भागीदारी। दूसरा चीन जापान युद्ध केवल जापान और चीन के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि इसमें कई राष्ट्र शामिल थे जिनके विभिन्न निहित स्वार्थ थे, जिन्होंने इस युद्ध के विभिन्न चरणों के दौरान उनकी स्थिति और कार्यवाही को प्रभावित किया था। यह स्पष्ट है कि मित्र राष्ट्रों का समर्थन हासिल करने के प्रयास में चीन के सामने एक अत्यंत कठिन कार्य था, जबकि जरूरी नहीं कि उनका उद्देश्य चीन के अनुरूप हो। पूर्ण पैमाने पर युद्ध के फैलने पर कई वैश्विक शक्तियां चीन को सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छुक थी, क्योंकि उनकी राय में चीनी अंततः युद्ध हार और वो जापानियों का विरोध नहीं करना चाहते थे, जो बदले में इस क्षेत्र में अपनी औपनिवेशिक संपत्ति पर नजर रख सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कि कुआमितांग को दिए गए किसी भी समर्थन से जापानियों के साथ उनके अपने रिश्ते खराब हो सकते हैं, जिन्होंने 3 महीने के भीतर विजय की संभावना के साथ कुआमितांग को ताना मारा। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के एशिया थिएटर में युद्ध के आगे बढ़ने की पहली जर्मनी और सोवियत संघ ने चीनियों को समर्थन प्रदान किया था। युद्ध के फैलने से पहले जर्मनी और चीन के बीच घनिष्ठ आर्थिक और सैन्य सहयोग था। जर्मनी ने कच्चे माल के बदले में चीन को अपने उद्योग और सेना का आधुनिकीकरण करने में मदद की। चीन जापान युद्ध के परिणाम। 1937 ईस्वी में जब चीन जापान युद्ध आरंभ हुआ, चीन ने राष्ट्र संघ से अपील की कि राष्ट्र संघ ने इस पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त भी की। समिति ने अनुशंसा पर 9 देशों की सभा ब्रुसेल्स में हुई, लेकिन सब व्यर्थ रहा। जापान के विरुद्ध राष्ट्रीय संघ या फिर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ने कोई कार्यवाही नहीं की। राष्ट्रीय संघ की असफलता का परिणाम ये हुआ कि विश्व के प्रमुख देश 2 गुटों में विभाजित हो गए। एक ओर जर्मनी, जापान और इटली थे, दूसरी ओर फ्रांस के नेतृत्व वाला गुट था, जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया थे। रूस भी इसमें शामिल हो गया। अंत में इंग्लैंड भी इस गुट में शामिल हो गया। अमेरिका ने तटस्थता की नीति अपनाई। इस प्रकार जापान को चीन को परास्त करने की पूरी आजादी मिल गई। जब 1939 ईस्वी में विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तब जापान को संदेह था कि भविष्य में अमेरिका भी इस युद्ध में सम्मिलित होगा। इसलिए 1940 ईस्वी में उसने जर्मनी तथा इटली के साथ सैनिक संधि की। इससे चीन में जापान की स्थिति सुरक्षित हो गई। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।